सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिज्यू गेमर। आज हम फिर से खेल रहे हैं ग्रोसरी स्टोर सिमुलेटर। फिर से बहुत सुहाना मौसम अपने ग्रोसरी स्टोर के इस ब्यूटीफुल से शहर में। ये रही अपनी एम्प्लॉय और यहाँ पर है अपना कैशियर, और यहाँ अपनी दुकान को ओपन कर लेते हैं क्योंकि मैंने अंदर बहुत सारा भी सामान लगाया है। मतलब मैंने और हमारी ये एम्प्लॉय है तो इसने लगाया है। हम यहाँ पर ना सामान ला कर रख देते हैं, मतलब परचेज कर देते हैं, ये अपने आप इनमें लगा देते हैं। बाकी यहाँ पर दो तीन सेल्फ मतलब जगह रह रही है ना, यहाँ पर अंदर हैं कुछ बॉक्स, तो इनको भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इनको पिकअप कर मुझे बाहर लगाना तो फटाक से। और यहाँ पर कस्टमर आने भी शुरू हो चुके हैं तो सबसे पहले इनको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, उनका प्राइस सेट कर देता हूँ। और मुझे ना ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी पूरी स्टोर खाली ना हो। और आज मैं अपनी स्टोर को ना और बड़ा करने वाला हूँ, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे पीछे के लिए, इसका परचेज करेंगे एरिया ताकि ये और डबल दुकान बन जाए और अपनी दुकान मतलब अपनी स्टोर यार सबसे बिगेस्ट बन जाए। और फिर हम यहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे, अपनी स्टोर को ना ऐसा रियल लाइफ का ग्रोसरी स्टोर, बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर हम बना देने वाले हैं। तो उसके लिए अभी मुझे बहुत सारे यहाँ पर ना मैं कलर परचेज करने वाला हूँ क्योंकि ना सेम कलर देखकर मैं थोड़ा बोर हो चुका हूँ, तो मुझे भी अभी इसका कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले वॉल्स का कलर चेंज करता हूँ, ऐसा है ये, देखता हूँ कि कैसा अच्छा लगेगा। ब्लैक नहीं, ब्लैक तो ऐसा हो जाएगा, तो ये ऐसा चाहिए थोड़ा कलरफुल होना यार। ये भी ठीक लग रहा है, थोड़ा इसको कर अभी ना देखता हूँ कि बाहर चल कर कि ये अभी कैसा लगेगा, तो फटाक से चलता हूँ अभी। और कूल लग भी रहा है और नहीं, अरे दूसरा लगाता हूँ इसमें अभी। ये कलर थोड़ा वाइब्रेंट सा लग रहा है, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है ना, तो इसको रखते हैं। अभी मैं सेल्फ जो हमारे वाइट कलर के उनको भी थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा कलरफुल होगा ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इसको परचेज कर लेता हूँ, इसमें अपने थोड़े पैसे तो खर्च हो रहे हैं लेकिन कोई नहीं, अच्छे तो लगेंगे ना, तो इसको बढ़िया से कलर का कर देता हूँ। ये एक सेकंड, ये ठीक है, तो इसको कर देता हूँ। बाकी इसको ना मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, मतलब एक बार ही इसमें पैसे देने पड़ते हैं। बाकी ये अभी ठीक लग रहा है। और अभी ऐसे ही इतनी सारी अपनी दुकान भरी हुई है, इन सब को बेचने का वेट करते हैं। फिर इस दुकान को ना एक्सपेंड करूँगा मैं अपनी पूरी स्टोर को ना पीछे के लिए। यहाँ पर ना मैं अभी और बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकता हूँ, बाहर से अपने कलर कर सकता हूँ बाहर से भी, और यहाँ पर स्टोरेज को भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। लेकिन ये उसका है, मतलब सेल्फ का जो अपने स्टोरेज एरिया में रखा है। अभी तो ऐसा करते हैं, थोड़ा ना वेट करते हैं, अपना इतना सारा आइटम रखा है ना इसके बेचने का, इस सबको सेल हो जाएगी ना, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें और क्या करना है। लेकिन यहाँ पर ना हमारी एम्प्लॉय खाली बैठी है तो बहुत थोड़ा सा सामान मंगा लेते हैं, बहुत सारा नहीं मंगाएंगे, थोड़ा सा अभी मंगा लेते हैं ताकि वो धीरे धीरे करके उनको लगाती रहे और साथ साथ में वो बिकता रहे, क्योंकि अपनी स्टोर तो बहुत फेमस है, हाथ के हाथ बिक जाती है सब चीज़। यहाँ पर बहुत सारे ना टॉयलेट पेपर मंगा लेते हैं, इनसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, तो ये मंगा लेते हैं इनके साथ। इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मंगा लेते हैं ताकि वो इन्हें आराम से लगाती रहे, कुछ स्टोरेज एरिया में ही भर देगी असल में तो ज़्यादा। और बाकी जो आइटम नहीं है उसको हम लगा देंगे। और यहाँ पर ना मैं एक लाइसेंस और परचेज कर लेता हूँ। देखो मैंने कितने सारे परचेज कर लिए, 5, 6, 7, 9, 12। अभी मैं 10वें लाइसेंस को भी परचेज कर लेता हूँ, इससे भी हमें थोड़ी और चीज़ें खुलेंगे तो उनको भी बाद में हम परचेज कर लेंगे। अभी ना मैं बहुत सारे और सेल्फ लगाने वाला हूँ दुकान को, जब अपनी एक्सपेंड करेंगे ना तो उसको पीछे के लिए अपने सेल्फ को ना मैं अलग डायरेक्शन में लगाऊंगा जैसे रहते हैं रियल स्टोर्स में। और यहाँ पर अभी हमारी सारी दुकान हो चुकी है खाली, अभी इसको करता हूँ बंद, अभी करेंगे जो भी इसमें मुझे कस्टमाइजेशन करनी है। अभी इस तरीके से लग रहे हैं बहुत सही हैं, लेकिन अभी हम इसको और ज़्यादा बढ़िया करेंगे। तो यहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ कस्टमाइज पर, और यहाँ से परचेज करेंगे हम इसका नेक्स्ट लेवल। भाई साहब पैसे बहुत लग रहे हैं लेकिन कोई नहीं, वर्थ इट होगा। और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लिया, किधर के लिए, पीछे के लिए, भाई साहब इतना एरिया और ये जगह अब के दो यार, दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है नहीं। और अभी ना मैं इन सेल्फ को लगाने वाला हूँ पीछे के साइड करके, तो इन सबको मुझे मूव करना पड़ेगा वन बाय वन, तो इसको इधर से शुरू करते हैं ताकि मुझे ज़्यादा घूम कर जाना ना पड़े। तो इसको लगाने वाला हूँ मैं कुछ इस तरीके से, और पूरा इसमें पीछे के लिए एक जगह छोड़ देंगे ताकि कस्टमर किधर से भी इसके अंदर जाए। तो सारे सेल्फ को ना मुझे इसी तरीके से लगाना है, फिर उसके सामने, फिर उसके पीछू करके, फिर इसी तरीके से मुझे सारे सेल्फ को लगाना है। इसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा
तो इसको फटाक से करते हैं। और यहाँ पर ये है लास्ट वाला, इसको लगा देता हूँ अभी। और बहुत जगह बच रही है तो इसमें बिना भी मैं और सारे कुछ सेल्फ मंगाऊंगा, उनको यहाँ पर लगाऊंगा। इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने ना पीछे ये रास्ता छोड़ा ताकि इधर से भी अपने कस्टमर घूम कर आगे से इधर से ऐसे आ सकें और इधर से ऐसे पीछे के। मैं अभी ना पूरे को भरने वाला हूँ बहुत सारे सेल्फ से। अभी ना और सारे सेल्फ परचेज करने पड़ेंगे मुझे। किधर पे है मेरा कंप्यूटर, इधर से अभी थोड़े सेल्फ परचेज करता हूँ फर्नीचर पर जाकर। यहाँ पर ऑलमोस्ट $100 का, $0.1 कम, तो यहाँ से मैं 10 अभी परचेज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर और सारे भी परचेज करेंगे। पहले इनको लगाते हैं बाहर जाकर। 10 परचेज कर लिए और 1000 इसके परचेज हो गए। बाकी मैंने यहाँ पर थोड़े से अभी आइटम परचेज कर लेता हूँ ताकि जो अपनी इम्प्लॉय ना, मैं तो इन रैक्स को लगाता रहूँगा और वो इसमें सामान फिल करती रहेगी आइटम जितना भी होगा, तो उतने में मुझे ना मेरा टाइम बचेगा और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। तो फटाक से इनको ऑर्डर कर देते हैं और अपना जो सेल्फ है मैं उनको लगाऊंगा, बाकी ये अपना सारा आइटम लगाएगी। और मैंने यहाँ पर 50-60 डिब्बे मंगा लिए हैं आइटम के। मैं अपना रैक्स लगाऊंगा, बाकी ये इनको लगाती रहेगी, तो मैं इनको इधर पर लगा देता हूँ। मैंने 10 मंगाए हैं, देखते हैं कि ये इनफ होते हैं या नहीं, फिर और भी मंगाएंगे। इसमें तो ना कम से कम 150 शायद ज़्यादा हो गई, लेकिन 50 तो होने ही चाहिए। 50 नहीं, 100 तो अपने रैक्स होने ही चाहिए। तो फटाक से इनको लगाता हूँ मैं और देखेंगे कि और भी मंगाने की मुझे ज़रूरत है या नहीं। ओके गाइज, मैंने यहाँ पर सेल्फ तो बहुत सारे लगा दिए। अभी ना मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, जितने भी ना नए सेल्फ होते हैं उसमें मुझे भरना पड़ेगा सारा आइटम, क्योंकि ये खुद से प्राइस लगा सकती है, लेकिन मुझे एक एक आइटम का इसको बताना पड़ेगा कि इसमें ये रखो इसमें ये, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं ही रख देता हूँ। बाकी ये अपना जो पहला वाला आइटम है उसको रख देगी तो काम बढ़ जाएगा, तो जल्दी हो जाएगा। अभी ना यहाँ पर कुछ आइटम मेरा अंदर भी रखा है तो उसको भी बाहर लाकर लगाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेल्फ हैं जो कि खाली पड़े हैं। और अभी तो इस गेम में ना मुझे बहुत सारा कुछ करना है गाइस। अगर आपको ना और भी अलग तरह की वीडियो देखना पसंद है तो माइनक्राफ्ट और बहुत सारे ऐसे गेम जो GTA 5 की तरह ओपन वर्ल्ड रियलिस्टिक गेम होते हैं मोबाइल्स के, उनको भी खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है और आपको भी बहुत नए नए चीज़ देखने को मिलेंगी। तो उन सबको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो के बाद आप हमारे चैनल को विजिट करना और देखना कि क्या ही मज़ेदार है। हम सिर्फ मोबाइल गेम प्ले करते हैं क्योंकि अभी PC का बजट है नहीं, जब होगा तो वो PC के गेम्स भी करेंगे, क्योंकि हमें गेम खेलना पसंद है और हर तरीके के गेम जो कि अभी फोन पर अवेलेबल हैं वो तो हमें ट्राई करने ही करने हैं जितने भी हो सकते हैं हमसे, बाकी बाद में करेंगे। बाकी PC के गेम वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं ना, पर मोबाइल के भी लिए हम ऐसे ही गेम लाते हैं जो PC के गेम्स को टक्कर देते हैं। अगर आपको वो देखने हो तो चैनल पर जाओ, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और देखो ऐसे ही मज़ेदार गेम्स के साथ। और अगर हम अभी इन सारे बॉक्स को बाहर लगाते हैं, इन सब को बेचेंगे, देखते हैं कि मेरे पास ना 8300 थे, लेकिन मैंने उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी परचेज़ की, देखते हैं कि आज हमें उसके बाद कितना प्रॉफिट होता है या फिर हमारे उतने पैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाते। और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ अपने ना, मैंने अंदर से तो सारा पेंट कर लिया, मैं बाहर से भी इसको थोड़ा पेंट कर लेता हूँ, जैसे कि मेरा जो यहाँ पर ये थोड़ा सा ना सही नहीं लगता, इसको थोड़ा ऐसा चमकदार सा करते हैं ना, ताकि हमारे इस सब को देखे, इस नाम को पढ़े, सब हमारे शॉप के पास आए। तो इसको मैंने रख दिया, रेड कलर का करा है, देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। एक मिनट, ये रेड तो पहले भी था ना, अरे यार मुझे भी दूसरा करना है इसका। देखते हैं कि अभी कौन सा इसमें ठीक लगता है, तो किधर पे वो ये रहा, इसको मैं करता हूँ इधर से नीला। नीला भी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन इसको मैं, चलो नीला ही रखते हैं, नीला ठीक लग रहा है। तो चलो अभी बाहर चल के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अभी इतना सारा सामान बिक रहा है, सब कुछ काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही, होप करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल कर दो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको ऐसे मजेदार गेम्स के साथ। गुड बाय, टेक केयर।